ईशा जिले के ग्राम वर्धा में भाजपा की विकास यात्रा द्वारा बता दें ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया है। प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा एवं नटेन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम वर्धा में ग्रामीणों ने लिखी तख्ती हाथों में लेकर नारे लगाते हुए भाजपा की विकास यात्रा का ग्राम वर्धा के ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया है। आपको बता दें कि शमशाबाद विधानसभा और नटेरन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम वर्धा में ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा का जबरदस्त विरोध किया और भाजपा सरकार में किए गए विकास कार्यों को लेकर विकास यात्रा निकाल कर बताया गया कि दूसरी और विकास यात्रा का विरोध देखने को मिला। विकास यात्रा के विरोध की यह तस्वीरें नटेरन ब्लॉक के ग्राम वर्धा से निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने गौशाला सहित अन्य मुद्दों को लेकर विकास यात्रा का विरोध किया। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए धर्मेंद्र गुप्ता, विदिशा, मध्य प्रदेश। आज जो वर्धा में बीजेपी विकास यात्रा निकली और उसका विरोध हुआ, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज ग्राम वर्धा में बीजेपी की विकास यात्रा होना थी और विकास यात्रा वर्धा में शुरू भी हुई, लेकिन इस ग्राम के जागरूक नागरिकों ने, मतदाताओं ने बीजेपी की विकास यात्रा में जनप्रतिनिधियों से सवाल किए कि विकास वर्धा में कहाँ हुआ है, आप जो विकास यात्रा निकाल रहे हो, जबकि वर्धा में विकास की बहुत ज़रूरत है। ये विदिशा जिले का सबसे बड़ा गाँव है, यहाँ पर 4200 मतदाता और लगभग 8000 की लगभग यहाँ पॉपुलेशन है, लेकिन ना तो यहाँ पर चौकी है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना यहाँ गौशाला है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये वर्धा ग्राम किसी आसपास के हाईवे रोडों से नहीं जुड़ा। ये आज ग्राम के नागरिकों ने माननीय जनप्रतिनिधियों से ये मांग की और उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा विकास यात्रा बंद करो के नारे लगाए और विकास यात्रा का भरपूर तरीके से विरोध किया।